पिंगरौली में कांग्रेस कमेटी ने किसानों की आर्थिक परेशानियां, बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि, खस्ता हाल सड़कें, महिलाओं से दुराचार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी किसान न्याय यात्रा के तहत सिंगरौली जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें विशाल ट्रैक्टर रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जो किसानों के हित में मुद्दे हैं, अब किसानों का मुद्दा देश का मुद्दा है। आप सबको मालूम हो, जब दिल्ली में किसान आंदोलन में आए पंजाब और हरियाणा के, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना है, हमने तो ये भी नहीं मजबूर किया कि जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जहाँ पर भाषण चल रहा है, वहाँ पर आप आइए, हम खुद वहाँ पर आकर के देंगे। फिर कैसे आप जो है कलेक्टर छोड़ करके भाग गए? कलेक्टर को आना पड़ेगा, ज्ञापन लेना पड़ेगा, और नहीं यहाँ पुलिस के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी और पुलिस वाले खड़े हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि ये रास्ता या तो जेल जाएगा या फिर कलेक्टर को आना पड़ेगा उन्हें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।